नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश के 11 राज्यों के 33 जिलों में बीते 10 दिन के अंदर कोरोना के एक्टिव केस बढ़ गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने मॉल, रेस्टोरेंट्स और धार्मिक स्थलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। शॉपिंग मॉल्स के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसके मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त लोगों को तैनात किया जाना चाहिए। हाई रिस्क ग्रुप में शामिल कर्मचारियों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। ऐसे कर्मचारियों को नागरिकों से सीधे संपर्क में आने वाले कामों में शामिल नहीं होना चाहिए। वहीं मॉल में आने वाले लोगों के अलावा सामान आपूर्ति के लिए भी एंट्री और एग्जिट अलग अलग होनी चाहिए। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स के लिए जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक रेस्टोरेंट में बैठकर खाने के बजाय टेक अवे को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही फूड डिलीवरी के दौरान सभी कोविड सावधानियों का ख्याल रखा जाए। होम डिलीवरी के लिए तय स्टाफ की पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसके साथ ही पार्किंग एरिया और रेस्टोरेंट्स के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट जरूरी है। रेस्टोरेंट के अंदर जाने के लिए 6 फीट की दूरी बनानी अनिवार्य होगी। धार्मिक स्थलों के अंदर जाने से पहले हाथों की पूरी सफाई और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। बिना मास्क वालों की धार्मिक स्थलों में एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के अंदर कोरोना वायरस से बचाव से संबंधित पोस्टर लगाए जाने चाहिए। आपको बता दें, देश में अब तक कोरोना वायरस के 1,11,73,738 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,57,586 मरीजों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर ये है कि 1,08,38,170 मरीज कोरोना से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 1,73,379 है। देश में वैक्सीन प्रोग्राम भी जारी है। अब तक भारत में 1,65,35,703 वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।